मानो या ना मानो घर की जिम्मेदारी हर किसी को बड़ा बना देती है, शरारतें छीन लेती है और सलीके से जीने का तरीका सिखा देती है। चैनल फ्रेंड्स, आज मैं ना दो तरीके का अचार बनाने वाली हूँ। एक मैं बनाने वाली हूँ आम का अचार और दूसरा मैं बनाने वाली हूँ कटहल का अचार। देखिए ये, और पहली बार मैं अचार बना रही हूँ, देखते हैं बना पाते हैं या नहीं बना पाते। और मैंने ना ये मसाला जो अचार का होता है वो मैंने रेडीमेड मंगवाया है, ये वाला, ये दो पैकेट मैंने मंगवाए हैं, इन्हीं से मैं ये अचार तैयार करूँगी। और अचार बनाने के बाद मैं अपने मंदिर की क्लीनिंग करूँगी। सोच रही हूँ मंदिर को भी भाई आज थोड़ा सा चमका देते हैं। घर तो बहुत ज़्यादा साफ हो गया, सब कुछ हो गया, थोड़े से मंदिर की भी सफाई कर लेते हैं। तो अचार बनाने के बाद हम मंदिर की सफाई भी करेंगे और छोटे छोटे से आपको टिप्स भी देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आम का अचार किसी भी खाने के साथ परोसे जाने पर यह खाने के स्वाद को दो गुना बढ़ा देता है। इस अचार को बनाने के लिए कई तरह के साबुत पंजाबी मसालों का प्रयोग भी होता है। आम का अचार खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ना बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आसान तरीके से अचार बनाना बताती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ये अचार जो आम है ना कच्चा, ये मेरे हस्बैंड रात में लेके आए थे, तो मैंने इसको पहले पानी में डाल दिया था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इस तरह से ऊपर इसके जो छिलका होता है ना, ये मैंने निकाल दिया और पंखे के नीचे दुपट्टा को बिछा कर इस तरह से एक एक करके हम इसको फैला देंगे, जिससे ये रात भर पंखे में पड़े रहेंगे और सुबह इसको हम धूप में डाल देंगे, क्योंकि इसमें धूप लगना भी जरूरी है। साथ में हम इस बना रहे हैं कटहल का अचार। कटहल का अचार मैं अलग से बनाऊंगी और आम का अचार अलग से बनाऊंगी। दो तरीके का मैं अचार बनाने वाली हूँ, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अचार हमारा जो है अच्छे से सूख गया था कच्चा आम, अब हम अचार बनाने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, गैस पे रखी है कढ़ाई, उसमें डाला है मैंने सरसों का तेल, और तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ आम जो कि सूख चुका है, ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें ये सूखा हुआ कटा हुआ आम डाल देते हैं और इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पर कोई डिब्बे मैंने धुल के रखे थे, क्योंकि इसमें हम अचार को पलट देंगे, तो इस डिब्बों को मैंने अच्छे से धुल दिया। उसके बाद मैंने उसमें धूप लगा दी, जिससे उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। पानी रहेगा तो अचार हमारा जल्दी ख़राब हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिस भी बर्तन में आप अचार को पलटें उसमें पानी बिल्कुल भी एक भी बूंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इस अचार को हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं, इससे अचार जो है हमारा बहुत ही जल्दी खाने के लायक हो जाता है। सिर्फ 2 दिन में आप इसको खा सकते हैं और खाने में ना इसका स्वाद बहुत ही यम्मी सा होता है, बहुत ही टेस्टी। इस तरह से कभी आप भून कर अचार को रखिएगा, आपका अचार बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा, साथ ही ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और यहाँ पर लाइट भी चली गई है, तो और ये बचा हुआ ऑयल जो है इसको हम अचार में डाल देंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम कटहल का अचार बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ये राई ली थी, जिसको हम मकरा राई बोलते हैं, और इसको मैंने पीस लिया था। और कटहल के टुकड़ों पर हम डालते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा नहीं मतलब ठीक ठाक नमक डालेंगे। अचार में जब तक नमक ना हो तब तक उसका मज़ा ही नहीं आता है ना। इसमें डालेंगे अब राई यानी कि सरसों पीसी हुई, अब डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, हल्दी नमक सरसों और लाल मिर्च, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती हैं। और अब डाल देंगे तेल, क्योंकि बिना तेल के तो अचार रखा ही नहीं जाएगा ना, वो रहेगा ही नहीं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, पूरी अचार की जो पीसेस है ना सब पर अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए इस तरह से। और अब हम इस डिब्बे को एक बार फिर से पोंछ लेते हैं, जिससे इसमें कोई भी पानी की बूंद ना रहे, और इसमें हम फिर इस अचार को पलट लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा। तो देखिए, ऊपर से हम थोड़ा सा तेल को डाल देते हैं, थोड़ा सा तेल डालकर, और इस डिब्बे अचार को रख देते हैं अलग। और अब हम बनाने वाले हैं आम का अचार, तो उसके लिए मैंने ये रेडीमेड अचार का मसाला आता है जो, वो लिया है मैंने, क्योंकि मैं पहली बार ये अचार बना रही हूँ तो मुझे इतना पता नहीं था। तो मैंने रेडीमेड वाला जो मसाला आता है ना, वो मैं इसमें डालूंगी। और आम के पीसेस पूरे ठंडे होने चाहिए, उसके बाद हम इसमें मसाला मिलाएंगे। गरम गरम आम में हम मसाला नहीं मिलाएंगे, ठंडा होने पर मसाला और तेल मिलाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे तेल, जो तेल हमारा बचा था ना कढ़ाई में, उसी तेल को हम डाल देते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप ये वाला अचार बनाया है कभी, आपने खाया है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं खाया है तो आप एक बार इसको बना के ज़रूर देखिएगा। कई बार होता है कि धूप नहीं निकलती है, जिसकी वजह से हम आम लेके आते हैं और धूप ना निकले और तो हमारे आम जो है ख़राब होने लगते हैं। इस तरह से आप इस अचार को बना लीजिए, बिना धूप के भी आप इसको रख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा सा तरीका है। तो देखिए, ये आम हमारा जो बनके हो गया है तैयार, और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो गया। इसका मसाला बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा सा आया है। तो देखिए, ये आम का अचार बनके हो गया तैयार, इसको भी अब हम पलट लेते हैं। बस 4-5 दिन तक अचार को ऐसे ही रखे रहेंगे और अचार जो है हमारा अच्छे से गल जाएगा। फिर इस अचार को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, सब्जी के साथ, लंच या डिनर के साथ सर्व करें, और खाने के स्वाद को ये दोगुना बढ़ा देता है। बहुत यम्मी सा अचार बनके तैयार हो गया है। आम के अचार को लंबे तक स्टोर करने के लिए जार में ऊपर तक तेल को अवश्य भर दें। जार में ऊपर तक तेल भरने से अचार सालों तक ख़राब नहीं होता है। तो इस स्टेप में पहले मैं अचार की, जो अचार बनाया है, तो वो भर देती हूँ, उसके बाद इसमें मैं ऊपर से तेल ज़रूर डाल दूँगी। तो है ना कितना आसान तरीका अचार बनाने का। और गर्मी की शुरुआत होते ही ना अधिकतर घरों में कच्चे आम का अचार बनाने की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आम का अचार ऐसा आम का अचार होता है कि इसको सभी लोग पसंद करते हैं, हर कोई इसको खाना पसंद करता है, और हर किसी के घर में ये बनाया भी जाता है। मार्केट से हम जो भी अचार लेकर आते हैं ना, वो इतना टेस्टी नहीं होता है जितना कि घर का होता है। तो देखिए, मैंने सभी डिब्बों में इस तरह से एक नैपकिन लगा दी कि इसमें जो भी पानी हो तो ये नैपकिन एब्जॉर्ब कर ले और ये अचार हमारा जल्दी ख़राब ना हो। अचार बनके तैयार हो गया है। तो अब हम आ गए हैं मंदिर की तरफ। अब हम करने वाले हैं अपने मंदिर की क्लीनिंग, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, तो थोड़ा सा मुझे अपने मंदिर को सजाना भी था। तो मैंने क्या किया, मैंने ये लिया है पेपर मार्केट से, मैं जो ये गिफ्ट वाले पेपर आते हैं ना, गिफ्ट रैपिंग वाले, वो लिया है। पहले पूरा मंदिर को हम अच्छे से खाली कर लेते, जो भी मूर्तियां हैं मैं निकाल देती हूँ, और एक बार मैंने मंदिर को अच्छे से पूरा पोंछ दिया है कपड़े से, और अब हम इस गिफ्ट वाले पेपर को मैं पूरा इसमें चिपका लेती हूँ। वैसे मैं इसके अंदर पेंट करने वाली थी, मैंने सोचा था मैं इसके अंदर पेंट कर दूँगी, बट पेंट लाने वाला कोई था नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ये पेपर ही इसके ऊपर स्टिक कर देती। तो देखिए, यहाँ पर मैंने स्टिक कर दिया, इस साइड में मैं स्टिक कर देती, पूरे मंदिर पर मैं इसको पेपर को अच्छे से लगा लेती हूँ। ये पेपर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे मंदिर में, और मंदिर में ना इस तरह की जो पेपर्स होते हैं, झालर वगैरह होती है, वो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूरे मंदिर में इस तरह से बिछा लिया, और यहाँ पर एक मैंने इस तरह से थर्माकोल था मेरे पास, उसको भी मैंने अच्छे से पेपर से रैप कर दिया और यहाँ पर बिछा दिया। इसमें जो भी हमारी मूर्तियाँ होंगी तो मैं इसके ऊपर रखूँगी। नीचे मैंने कपड़ा जरूर बिछाया, क्योंकि हमें अपने मंदिर में कपड़ा ना जरूर बिछाना चाहिए। यहाँ पर मैंने सिंहासन भी रख दिया है अपने कान्हा का। तो ये हमारा मंदिर बनके हो गया है तैयार। देखिए, पूरा मंदिर मैंने सजा लिया है अपना। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको हमारा मंदिर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।